तो फाइनली जो भी हमारा ड्रीम था कि हम 12 बजे दर्शन करेंगे, हमारे 12 बजे दर्शन हो गए आज। और वो पुरानी जो गुफा सामने दिख रही है आपको, वो बंद है, तो हम उस तरफ से गए थे क्योंकि उस तरफ वाली गुफा खुली है। तो गाइस फाइनली कितना मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। इस बार आपको शक्लें मत दिखेंगे नहीं। सो गाइस फाइनली तो है गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज आपको मेरी ये आवाज़ है ना, बिल्कुल बेकार लग रही होगी क्योंकि गला बंद है भाई का, ठीक है। और आज का व्लॉग लगभग हम शुरू कर रहे हैं, टाइम क्या हुआ भाई, पाँच मतलब 5:20 में हम जो है व्लॉग शुरू कर रहे हैं। और ये व्लॉग होने वाला है शिवरात्रि स्पेशल। फिलहाल हम जा रहे हैं शिवखोड़ी और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन जा रहा है। अनिल सर कम हेयर, और अनिल सर जा रहे हैं मेरे साथ, और ये तो दूर दूर बंदे खड़े हैं। और धर्मेंद्र भाई, जय श्री धोखेबाज, तो ये देखो महान धोखेबाज। नहीं यार धोखेबाज आज के दिन, धोखेबाज कोई यार एक मतलब धोखेबाज वो निकल गया। हाँ वो चला गया, उससे हम बाद में मिलाएंगे, ठीक, उससे मिलाने नहीं आपको, तो नाम भी नहीं लेंगे उस बंदे का। अभी हमारे पास जो शिवखोड़ी जाने के दो रास्ते हैं, एक बाई निशारा से, बाई कालाकोट भी है, लेकिन दूसरा वाला रास्ता ज्यादा खराब है, इसलिए हम आपको बताएंगे इस रास्ते में मतलब कहाँ कहाँ हम रुक सकते हैं, कहाँ कहाँ मतलब अच्छी जगह है, ठीक है। और रास्ता काफी ज्यादा साफ है ये वाला, और दूसरा तो बिल्कुल मिट्टी से भरा हुआ, धूल से भरा हुआ। तो अब आपको दिखाएंगे हम पूरी की पूरी ट्रिप, क्योंकि ये नाइट ट्रिप होने वाली है सारी। तो चलो मिलते हैं आपको सीधा आगे। ये जा रहे हैं हम अपनी रानी में, ये देखो हमारी स्कूटी, एक स्कूटी जा रही है बाइक, और ये दो गाड़ियां हम लेकर जा रहे हैं। और रात का टाइम है अब, क्योंकि और आधे घंटे बाद रात पड़ जानी है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली है यहाँ पर। और देखो कहाँ हम जंगल रुके जाते हैं, चलो तो यहाँ से चलते हैं, तो फिर आगे आपको दिखाएंगे। तब तक अमित सर पीछे जो बैठ कर भी आपको पूरे फाइनली अभी हम पहुंचे हैं मनवा माता मंदिर, और वो देखो सामने जो मनवा माता मंदिर गुफा। तो अभी हमने सोचा चलो यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा सा माथा वगैरह टेक लेते हैं हम माता रानी के मंदिर में, तो फिर यहाँ से हम आगे जाते हैं। और वो हमने स्कूटी वहाँ पे खड़ी की है, अनिल सर वो खड़े हैं, और कन्नू और धर्मेंद्र भाई वहाँ पर खड़े हैं, और बाकी सारे काफ़ी ज़्यादा लोग भी जा रहे हैं यहाँ से। और अभी तो मतलब हमारे यहाँ पर खड़े 10 से 12 जो गाड़ियाँ वो निकल गई यहाँ से, और काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ से माता रानी का जो गुफा है वहाँ का भी, मंदिर का भी। और अभी हम पहुँचे हैं मनवा माता, इसके आगे है 5 किलोमीटर कालाकोट, तो फिर हम उसके बाद देखते हैं आगे कालाकोट वाली तरफ जाते हैं। तो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मतलब दूसरे वाले रास्ते से, तो हम बताएंगे कि इस रास्ते में आप मतलब जाओगे तो रास्ता कैसा है, वो सब चीज़ें आपको गाइड करेंगे। तो चलो मिलते हैं आपको आगे नेक्स्ट अपनी लोकेशन पर। तो गाइस अभी हमने कालाकोट ब्रिज अंदर जो क्रॉस किया, अभी ये कालाकोट ब्रिज, यहाँ से जो रास्ता है सीधा मार्केट जाएगा, और हवा भी काफ़ी चल रही है, पीछे तो आवाज़ शायद क्लियर ना सुनाई दे, पर फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ मार्केट जो है वो अच्छी से वो दिखा सकें आपको। और ये रास्ता सीधा जाएगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट से हमने लेफ्ट टर्न लेना जो शिवखोड़ी वाली तरफ रास्ता जाएगा, और जो सीधा चला जाएगा वो जाएगा जम्मू वाली तरफ, इसलिए हमें जम्मू नहीं जाना, हमें शिवखोड़ी जाना है। ये है कालाकोट मार्केट, और हमारे साथ के जो दो बंदे हैं ना उनको चाय पीनी है, चाय
कोहरे ठंड लग गई है तो हम चाय पियेंगे, तो देखते हैं कोई अच्छा सा होटल और वहाँ पर हम पीते हैं चाय। फिलहाल ये तो लंगर भी लगा हुआ था यार। हाँ, ये लंगर पीछे लगा हुआ था ना, तो फिर अभी तो वैसे भूख है नहीं हमें, तो मेरे हिसाब से 3-8 मील तरफ होगा लंगर आगे। फिलहाल हम ये मार्केट क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट है, यहाँ की जाम लगा हुआ है, और देखते हैं कोई चाय वाली दुकान ढूंढते हैं। अरे सर देखो कोई चाय वाली दुकान, तो चलो मिलते हैं आपको चाय वाली दुकान में। हम रुके हैं चाय पीने के लिए, और ये हमारी पुरानी दुकान है, क्योंकि पिछली बार हमने पिछले व्लॉग में भी हमने यहीं पर बैठ कर चाय पी थी, और मैंने नहीं पी थी इसलिए। तू मेरे को तो अच्छी लगती नहीं है। अनिल सर फोन में बिजी है, अनिल से चाय पीनी है? हाँ चाय पीनी है, क्योंकि चाय के बिना कुछ काम है तो है नहीं। वैसे भी हमें यहाँ पर टाइम 6 बज गए, यहीं पर 6 हमें काला कोड़ी बज गए, तो लगा लो साहब की 2 घंटे का रास्ता हमें आ गया है, और स्कूटी में तो ज़्यादा रिस्क होता है, तो देखते हैं क्या होता आगे। फिर आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे ना स्कूटी वाली की, नाइट के टाइम जो ट्रैवल करते हैं कैसे करते हैं। चलो चाय पी लेते हैं। अभी हम फाइनली जो बिल्कुल कालाकोट जो हाइट पे पहाड़ी है ना वहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ से जो कालाकोट का व्यू है ना वो देख सकते हो आप। सनसेट भी हो गया है, अब अंधेरा पड़ने को है, और लगभग 7:45 का टाइम, मतलब 7:45 होने वाले हैं, और ये देखो अंधेरा पड़ गया, मतलब हमें पहुँचते पहुँचते 8:30-9:30 हो जाएंगे, सही है नहीं। और ये देखो अनिल सर कुछ बोलना चाहेंगे, अभी तक कितना मज़ा आया यहाँ पर स्कूटी पे जाने का? वैसे स्कूटी में ज्यादा मजा आता है ना, स्कूटी हो बाइक हो ज्यादा मजा आता है वैसे मेरे हिसाब से। नहीं पहुंच भी जाएंगे टाइम। हाँ वो देखो बादल कितने मस्त लग रहे हैं, मतलब एकदम जब सनसेट हो गया ना तो एकदम येलो येलो लग रहे हैं, और रेड रेड थोड़े से दिख रहे हैं, और ये है कुछ इस तरह का व्यू यहाँ का। चलो कंटिन्यू करते हैं व्लॉगिंग आगे भी, और जहाँ जहाँ तक हमें लगेगा कि कुछ अच्छी चीजें हैं दिखाने के लिए तो हम दिखाएंगे आपको, तो व्लॉग को थोड़ा सी भी स्किप मत करना, और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और भोले बाबा की बस्ती में हम सब नाचेंगे, हैं भोले बाबा की शादी है, खूब सारा नाचेंगे। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट आगे। तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया हम, तो अंधेरा भी काफ़ी पड़ रहा है, तो क्योंकि जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ज़्यादा हमें डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट आगे। अभी यहाँ पर रुके हैं, बिल्कुल अंधेरा पड़ चुका है जिसको बोलते हैं ना, ये देखो पीछे ये दोनों बाइक की लाइट जग रही है और स्कूटी की लाइट जग रही है, देख सकते हो आप। और अनिल सर ये खड़े हैं क्योंकि हम फोन की टॉर्च से जो हम काम चला रहे हैं व्लॉग का, और ये हेलमेट लगाया हुआ है भाई ने, और ये टॉर्च लगा रहा है देखो। तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, अभी जो 3-8 वाली मार्केट है काफ़ी ज़्यादा दूर है अभी, वो सामने आप देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है 3-8 मार्केट से, और देखते हैं क्या होता है, तो देख लो कितना अंधेरा हो गया। फाइनली हमने अभी जो रास्ता है मतलब पैदल यात्रा का वो शुरू कर लिया, अभी हमने जो मेन गेट था वहाँ से एंटर किया, चेकिंग वगैरह हुई है हमारी, तो बैग भी चेक किया गया, और ये दो देखो पीछे खड़े हैं, इधर आ जाओ यार ब्लॉग में, आ जाओ हमारे ब्लॉग में आ जाओ। तो ये देखो ये छुप रहे हैं पीछे, एक वो है मेरे पीछे छुप रहा है यार, हमने क्यों छुप रहा है। अभी हम यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करेंगे, आपको दिखाएंगे आगे, मज़ा आया काफ़ी करते हैं, वैसे रात को मज़ा आता है घूमने का, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा स्कूटी का रात को। पहली बार इतना करेंगे रात सारी यहाँ से जाना ही नहीं, रात जाना ही नहीं, रात को इधर ही है किसे जाना है, घर से आराम से, घर से वैसे फोन आ गया रात को मैं निकलो सुबह निकलो, सही है। तो ठीक है फिर चलते हैं आगे, फिर बताते हैं आपको। वैसे भूख लगी है, थोड़ा लंगर खा लेते हैं, लंगर पहले खाते हैं, जिनको कुछ नहीं खाया। तो चलो मिलते हैं आपको आगे, ठीक है। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हो हमने जो पैदल रास्ता था ना जो गुफा की तरफ जाता है शिवखोड़ी गुफा की तरफ, तो हमने शुरू कर दिया है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया पर लाइट देखो कितनी मस्त लग रही है यहाँ पर, और इधर उधर पूरा जंगली जंगल दिखेगा आपको, और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, है नहीं सर? बिल्कुल क्यों नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पर हमें। हाँ तो काफ़ी ज़्यादा रश भी है, और ये दो पीछे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है?
भोले बाबा की मस्ती में है, बम बम बोले। तो काफी ज्यादा मतलब व्यू काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है रात के टाइम का, क्योंकि पहले हमने दिन के टाइम बड़े व्लॉग शूट किए हैं पर इस बार हम रात के टाइम कर रहे हैं। तो गाइस क्या कहना आपका, बोले बम बम बोले। और सर बताओ आप कैसा लग रहा है? मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बस अब थोड़ा सा तो हम भोले बाबा के दर्शन करेंगे जिस जल तक पहुँचेंगे। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा। एक पीछे जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब है पुत्र वाले है ना, काफी ज्यादा शोर है आपको सीधा आगे मिलते तो अभी हमने लगी थी भूख तो अभी हमने लंगर खाया है, राजमा चावल अपना स्पेशल रजौरी, स्पेशल रजौरी का लंगर जो था हमने सिर्फ वहीं पर खाया, जलेबी अचार भी। हम यही सोचते थे हम रजौरी का लंगर है वहीं पर हम खाएंगे, अब हम चल रहे हैं वापस से, हमने करना शुरू कर दिया। और इसे सबसे ज्यादा खाया आज, सबसे ज्यादा मैंने खाया, मुझे भूख लगी थी। तो आपने दो बार लिया? हाँ, दो बार लिया मैंने, भूख लगी थी। जेबली 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 मस्ती में। तो ये देखो यार सब कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर भोले बाबा की मस्ती में। कुछ जो हमने लास्ट ब्लॉग में कहा था भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, आज नाचेंगे, आज नाचेंगे भोलेनाथ की शादी है। बड़ा पास आ गया ना जल्दी यार, सही बात है। कब कभी मैं सोचा नहीं था ना, दो तीन दिन में हमारा जो प्लान बना। तो ये देखो रात का कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ में पैदल रास्ता जो है ना, यहाँ से जो गुफा की तरफ जाता है। और काफी ज्यादा यात्री हैं वापस जा रहे हैं और मेरे हिसाब से रश काफी ज्यादा होने वाला है। होगा होगा हाँ, तो ऊपर जाके पता चलेगा कि रश कितना ज्यादा होता है। ढोल बज रहे हैं यार आगे नाचेंगे, ढोल बज रहे हैं, अब तो मेरी टांगे आए, अब तो मजा आएगा। और ये देखो पीछे ये आराम से चल रहे हैं मस्त, आगे देखो ढोलू की ढोल की आवाज आ गई, ये समझो कि अब मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ हम नाचते हैं तो मजा क्या है। चलो हमने अब नाचना है बस, भोलेनाथ की शादी है, मैं और अनिल सर नाचेंगे। लेकिन रियली यार हम सबको मिस कर रहे हैं, सबको मिस कर रहे हैं, कनु मैम, शिवानी मैम, एक को मिस कर रहे हैं, रचना मैम, एक एक सबको, अपर्णा मैम, नीर मैम, सबको मिस कर रहे हैं हम एक एक कर। अगर साथ होते सारे कितना मजा आता।
यानी हमने अभी आधा रास्ता तय किया है तो आधे रास्ते में यहाँ पर पहुंचे और मतलब मजा आ रहा है। सर्दी में भी गर्मी पसीना जा रहा है हमें। और नीचे हमने ये चुमाथे में चंदन का टीका लगाया है। मजा आ रहा है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। मतलब बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई, स्वाद आ रहा है, एंजॉय करते हैं। बोलते हैं ना कि बाबा के दरबार में जाओ थकावट कुछ नहीं मिलेगी आपको, तो चलो एंजॉय करते जा रहे हैं। बोले बाबा सबकी विश पूरी करेंगे, हमारी भी करेंगे। चलो मिलते आपको। गुफा के बाहर पहुंचने वाले हैं और काफी सारा मतलब रास्ते में जो एंजॉय करते थे यार, थकावट जरा सी महसूस हो रही थी। बोले बाबा ने बुलाया तो थकावट कहाँ हो गई। बोले बाबा की अर्ज हमें आ गई है, हम बम बोले, हम बम बोले, हम बम बोले, हम बम बोले। अभी ना यहाँ पता फोन जो अंदर अलाउ नहीं है, तो हमने अभी एग्जैक्ट 12 बजे दर्शन किए, 12 बजे पूरे 12 एक बजे हमने इंटर मतलब 12 बज के एक मिनट में इंटर किया अंदर। तो फाइनली जो भी हमारा ड्रीम था कि हम 12 बजे दर्शन करेंगे, हमारे 12 बजे दर्शन हो गए आज। और वो पुरानी जो गुफा सामने दिख रही है आपको वो बंद है, तो हम उस तरफ से गए थे क्योंकि उस तरफ वाली गुफा खुली है। तो काफ़ी ज़्यादा रश हो गया अब, तो हम दो बंदे दर्शन करके आए हैं। ये देखो अनिल सर और मैं, और ये देखो गुफा का वो सामने कितना ज़्यादा रश हो गया वो वाला मैन जो गुफा का, लेकिन ये वाला था जो ये बंद किया हुआ है, इसमें रश ज़्यादा हो गया इसकी वजह से बंद है ये। तो बाकी भूख लगी है, बाकी आसपास देखो यहाँ पर हो गया ना, ये देखो यहाँ लंगर वगैरह लगा हुआ है। और अभी थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, फिलहाल दर्शन हमारे बहुत अच्छे रहे। अनिल सर दर्शन अच्छे रहे ना? बहुत ज्यादा अच्छे, मजा आ गया दर्शन करके, इजीली दर्शन किए हमने। अब सबसे बड़ी कोई रश था ना कुछ, एग्जैक्ट टाइम पे भी पहुंचे हम लोगों ने, दर्शन का पूरा लाभ लिया हमने। एग्जैक्ट टाइम पे दर्शन हुए पूरे 12 बजे, जैसे बोले बाबा की मर्जी थी उनके अकॉर्डिंगली हमने सब कुछ किया। बस अभी हम दर्शन कर चुके हैं तो थोड़ा सा चाय शाय पीते हैं, उसके बाद बाकी हमारे जो फ्रेंड हमारे दो साथी गए हैं जो अभी दर्शन करने के लिए, बस वो आएंगे फिर हम यहाँ से चल पड़ेंगे, तब तक हम शिफ्ट लगा लेते हैं। हाँ तो गाइस अभी हमारे फ्रेंड भी हमें मिल चुके हैं माधव, तो माधव बोलना चाहोगे यार? अपने भाई को सपोर्ट करो, और हमारा भी यूट्यूब चैनल है, हमें भी सब्सक्राइब करो। अपना नाम बोलो यार, बोलो ना, बोल दो यार, कैरी ऑन इतना शर्माने, कैरी ऑन गाइस, कैरी ऑन आरआर हमारे चैनल का नाम है, अगर आप चेकआउट करो तो देखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो लाइक कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप भैया की भैया को सपोर्ट करो, आप भैया अच्छा कॉन्टेंट करते हैं अपने चैनल पर। चलो बाहर से बिल्कुल बिल्कुल पूरे 12 बजे हमारा गला ही बंद हो गया भैया, बंद हो गया, महादेव के नारे लगा लगा के बाहर। चलो कोई नहीं, महादेव हमारे साथ ही है, ठीक है भैया। सो गाइस फाइनली हमारे दर्शन बहुत अच्छे गए हैं, तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था ना कि मतलब 12 बजे दर्शन होंगे तो हो गए, तो इनके थोड़ा सा लेट हो गए हमारे से। हमारे अच्छे जल्दी हुए, हमारे जल्दी हुए, अरे 12 बज के 1 मिनट हमारे दर्शन हुए। हां तो आपने भी लगाए लाइन में, हमने 10 मिनट लगाए, बस हमने पता क्यों लगाए थे टाइम, हमने इसलिए लगाए क्योंकि हम 12 बजे दर्शन करेंगे, इसलिए हम दर्शन। अच्छा हमने भी 10 मिनट रखे ना, हमने अपने 20 बंदों को अंदर अपने घुसाया वहां, पता है ना, सीधी बात बताओ कि हमने 20 बंदों की जगह खुद घुसे, अच्छे रहे दर्शन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मतलब जिनके टाइम ज्यादा मजा आया, अच्छा रहा ना सब, मजा आ गया, मजा पिछली बार वैसे भी शिवरात्रि थी, बोले बाबा की शादी थी, अभी हम नाचे नहीं है, नाचेंगे बांग पी के, नाचेंगे बिना बांग को नाचता, बांग तो पीएंगे सर कंपल्सरी, दो ग्लास बड़े, दो ग्लास, भोलेनाथ की शादी है हम नाचेंगे, कुछ घर ले चलेंगे सर, टेंशन नहीं करो, भोलेनाथ की शादी है हम नाचेंगे। Thank you.
भोले शंकर भगवान की। नीचे तो पहुंचने वाले हैं, पता नहीं यार, देखते हैं नीचे मिल जाए कहीं ना कहीं। और देखो कितना ज़्यादा रश है, सुबह के अभी कितना 3 बजे अभी, तो 3 बजे देखो कितना ज़्यादा रश है, अभी भी लोग कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो मतलब अभी तो सही यात्रा शुरू हो रही है, आज शिवरात्रि का दिन है, तो शिवरात्रि के दिन में तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो होती है यहाँ पर। और इधर से देखो ये पीछे भी ये, और इस तरह से कुछ जो भी यात्री सुबह सुबह जो अभी काफ़ी सारे गाड़ियाँ तो आ रही होंगी आज। चलो अभी हम तो मार्केट घूमेंगे, अभी टाइम लगेगा है ना नहीं सर, उसके बाद देखते हैं मार्केट भी दिखाते हैं आपको। फिलहाल हम कुछ लंगर शहर वगैरह चख लेते हैं। बाकी 4 बजे हैं और सुबह के 4 बजे देखो कितना रश है, और ठंड तो बिल्कुल नहीं है ना, नॉर्मल सी ठंड है मतलब, तो काफ़ी ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है हमें सुबह के 4 बजे काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखो शॉपिंग ये छोटे के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो हमने सामान लिया अपने काके के लिए। और ये देखो मार्केट सुबह 4 बजे की, ठंड वैसे है नहीं, हम तो सोच रहे हैं अभी निकल पड़े। तो गाइस फाइनली अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और 5 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। स्कूटी वो पीछे खड़ी है और ये देखो पीछे सुस्त बैठे हुए अभी सारे, अनिल सर फोन में बिजी हैं। और अभी हम यहाँ से क्या बोलते हैं, अभी चले शुरू करें यहाँ से चलना, अभी निकलने हैं, टाइम हो गया 4:30, टाइम हो गया वैसे भी 5 बजे निकलते हैं, वैसे 5 मिनट कम है अभी 5 बजने को, तो हम सोच रहे हैं 5 बजे निकलते हैं यहाँ से। तो बैटरी अभी फुल चार्ज है क्योंकि हमें अभी स्कूटी भी ड्राइव कर रही है अभी, तो एक चीज़ तो हमें मिली नहीं, क्या फ़ायदा, क्या नहीं मिला यार, अभी भांग के पकौड़े नहीं मिले ना, भांग वाले पकौड़े नहीं मिले ना, वो मिली। चलो रास्ते में देखेंगे ना, रुकते रुकते चलेगा ना, तो देखते हैं अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कहाँ पर सुबह होती है और कब पहुँचते हैं हम, तो उसके बाद आगे देखते हैं कंटिन्यू। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप, क्योंकि 5 बज गए ना, तो स्टे ट्यून आगे बने रहना, तो फिर बताते हैं आगे भी जब सुबह होगी, तो देखते हैं सुबह का जो यहाँ का सनराइज़ का व्यू है वो कैसा होता है। ठीक है तो चलते हैं हम सीधा कालाकोट, और वो देखो सनराइज़ कितना मतलब मस्त लग रहा है एकदम, और क्या खूबसूरत नज़ारा है। और वो देखो सनराइज कितना मस्त लग रहा है, और सुबह सुबह का व्यू इस तरह का है कुछ कालाकोट का, काफ़ी सुंदर व्यू है। और अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर कालाकोट में, और अनिल सर उधर खड़े हैं, और व्यू तो देखते ही बनता है, देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है व्यू यहाँ से कालाकोट का। और हम निकले थे 5:15, तो काफ़ी टाइम लगा हमें यहाँ पर, रास्ते में अंधेरा भी था, तो काफ़ी ज़्यादा, तो अभी देख सकते हो